हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं OUAT 2023 के बारे में। जी हाँ गाइस, OUAT 2023 क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, किस लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, इस एग्जाम का मेन एम मेन मोटिव क्या है, साथ ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर OUAT 2023 का कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आप लोगों को वीडियो के थ्रू अपडेट करके आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे OUAT का फुल फॉर्म देखते हैं। ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। अब कैसे यूजी पीजी लेवल के एग्जाम है यूनिवर्सिटी लेवल, यानी कि अगर आपको ओडिशा यूनिवर्सिटी में मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में वेरियस न्यूमरस कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो आपको OUAT के एग्जाम के थ्रू ही लेना होगा। अब गाइस, इसका एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जाम दोनों ही ऑनलाइन मोड में यहाँ पे रिलीज किया जाता है। अब बात करेंगे गाइस, यहाँ पे हमने इसके हाइलाइट्स डिस्कस कर लिए, अब इसके और इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक सबसे पहले देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग। तो गाइस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो है मई में रिलीज किया जाता है। बात की जब यहाँ पे एग्जाम की, तो एग्जाम आपका थर्ड वीक ऑफ जून में यहाँ पे कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ऑल्दो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू डेट्स अनाउंस नहीं की गई है, जैसे ऑफिशियल अथॉरिटी डेट्स अनाउंस करेगी हम उसके ऊपर आप लोगों को जो एक वीडियो बना देंगे सेपरेट, हर एक इवेंट की डेट एक्सप्लेन करके आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो गाइस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम गाइस आपने अगर कोई भी गलती की, कोई भी मिस्टेक किया, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर किया, या फिर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब साइज या फॉर्मेट अपलोड नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट नहीं होगा, मे बी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो क्या इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जैसे आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी हाँ गाइस, फ्रॉम स्टेप वन यानी कि आपके नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आपको पे करके बताई जाएगी। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि आपको कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। अब गाइस, एप्लीकेशन फॉर्म की फी की बात करें तो 1350 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी रहेगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी के भी थ्रू आप एप्लीकेशन फी पे कर सकते हैं। अब बात करेंगे गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो गाइस, अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना कंपलसरी मैंडेटरी है। तो अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों का BSc हॉर्स एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर हो गया, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, हर एक का जो गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो आप जिस भी कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं और उसका सिलेबस चेक करना चाहते हैं, सिंपली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करना है, वहां से आपके सामने एक पेज ओपन होगा, वहां से आप उस पर्टिकुलर एक कोर्स का एलिजिबिलिटी और उसका सिलेबस जो है आसानी से डिटेल में चेक कर पाएंगे। अब गाइस, नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो आप लोगों का गाइस यहाँ पे पेपर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही लगे सिंपली वो एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। ड्यूरेशन की बात करें तो गाइस 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा पेपर कंप्लीट करने के लिए, हर एक सही आंसर के लिए आपको जो 1 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेंटल एप्टीट्यूड में से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड मैथमेटिकल या मैथमेटिक्स या बायोलॉजी जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उसमें से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब गाइस, एडमिट कार्ड की बात करें तो आपका एडमिट कार्ड जो बेसिक से डिटेल्स रहती है, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सब्जेक्ट्स, टाइमिंग, ये सारी डिटेल्स दी हुई रहती है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जब स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते, क्योंकि उनका एडमिट कार्ड जब रिलीज होता है उन्हें पता नहीं होता किस तरह से डाउनलोड करना है, क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए अगेन, जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपको लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताया जाएगा। सेम एज इट इज फॉर रिजल्ट, रिजल्ट डिक्लेयर होता है आपको नोटिफाई किया जाएगा, जिससे आप आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। सो गाइस, नाउ आई होप कि आप लोगों को OUAT 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कुछ डाउट है, कोई भी हेल्प आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।